नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मालवा डायरी में। आज हम आपको ले चलेंगे इंदौर के सेंट्रल म्यूजियम में। जी हाँ दोस्तों, यह काफी सुंदर म्यूजियम है जिसकी स्थापना सन 1923 में की गई थी। इस म्यूजियम में आप आदि मानव काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता होते हुए मध्य प्रदेश की पुरातन सभ्यताओं के दर्शन करते हुए आधुनिक काल तक पहुंच सकते हैं। यहां पर आपको पुरानी सभ्यताओं के बर्तन, आभूषण तथा उनके क्षेत्र की जानकारियां काफी अच्छे से मिलेगी। यहां पर आपको मध्य प्रदेश तथा इंदौर के आसपास किस तरह से मानव सभ्यता का विकास हुआ उसके दर्शन आप अपनी आंखों के सामने कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तरह तरह के ताम्र पत्र मिलेंगे जो कि उस काल की जानकारी देते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग समय के अलग अलग राजाओं महाराजाओं द्वारा चलाए गए सिक्के, मोहरे, अशर्फिया जो कि सोने, तांबे, चांदी आदि के होते हैं अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। यहाँ पर आपको तरह तरह के शिल्प देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको ब्रिटिश शैली के शिल्प देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको इटैलिक और फ्रांसीसी शैली के भी शिल्प देखने को मिलेंगे जो कि मार्बल के बने हुए हैं, जिनकी सुंदरता देखते ही बनती है। दोस्तों, यहाँ पे इंदौर के मराठा राजवंश यानी होलकरों की भी जानकारी काफी अच्छे से दी गई है। यहाँ पर आप उनके मेडल्स तथा उनकी कुल देवी की मूर्तियों को देख सकते हैं। यहाँ पर काफी सारी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लगी हुई है जिन्हें आप निहार सकते हो तथा जिन्हें पुराने जमानों के हथियारों, तलवारों, ढालों, बर्छियों, कटारों में रुचि हो उनके लिए भी यहाँ पे काफी कुछ है। यहाँ पर आपको मुगलों की, राजपूतों की तलवारें देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको तरह तरह की तोपे देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको ढाल, धनुष, बाण के अलावा आधुनिक काल यानी जब अंग्रेजों का हमारे देश में प्रवेश हुआ उस समय किस तरह की बंदूकों का इस्तेमाल किया जाता था, उनकी क्या टेक्नोलॉजी थी, वह किस तरह से चलती थी, वह कैसी दिखती थी, वह भी आपको मिलेगा। यहाँ के प्रांगण में भी इतना इतिहास बिखरा पड़ा है जिन्हें आप देखते देखते थक जाएंगे, पर ये मूर्तियां इतनी सारी है कि यह खत्म नहीं होगी। इस वराह पर तो पूरे दशावतार बने हुए हैं। यहाँ पर आप जरूर आइए और देखिए अपनी विरासत को जो कि आपका इंतजार कर रही है। Please like, share and subscribe our channel.